गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है मिट्ठू एंड द येलो मैंगो। चलिए इसे शुरू करते हैं। वैसे बच्चों को मिट्ठू वाली स्टोरीज बड़ी पसंद होती हैं, है ना? तो आज हम मिट्ठू की एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, देखते हैं ये कैसी है और स्टोरी में क्या हुआ। चलिए शुरू करते हैं। मिट्ठू वाज अ पैरेट, अ ग्रीन पैरेट। मिट्ठू जो है वो एक पैरेट है, मतलब कि जो ये आपको पैरेट दिखाई दे रहा है ना बच्चों, इसका नेम क्या है? मिट्ठू। अ ग्रीन पैरेट विद अ रेड बीक, इसकी जो चोंच है वो रेड कलर की है। और इसका मिट्ठू का कलर कौन सा है पैरेट का? ग्रीन। वन डे मिट्ठू वॉज फ्लाइंग, ही लव टू फ्लाई। एक दिन क्या हुआ, मिट्ठू उड़ रहा था। ही लव टू फ्लाई, उसे उड़ना बहुत अच्छा लगता है। ही लुक डाउन, उसने नीचे देखा। ही सॉ अ बिग येलो मैंगो ऑन अ ट्री, उसने क्या देखा, देखिए क्या नज़र आ रहा है उसे पेड़ पर, एक बड़ा सा येलो येलो मैंगो। जैसे आपको भी मैंगो बड़े पसंद है ना, तो मिट्ठू की भी नज़र मैंगो पे पड़ी। देखते हैं अब क्या होगा, उसने देख तो लिया मैंगो, अब देखते हैं वो क्या करेगा। मिट्ठू लाइक मैंगोज, देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा, जैसे बच्चों को मैंगोज बड़े पसंद होते हैं, मिट्ठू को भी बड़े पसंद हैं। इस पैरेट का क्या नाम है? मिट्ठू। मिट्ठू को क्या पसंद है? मैंगोज। आई वॉन्ट टू ईट दैट येल्लो मैंगो, ही सेड, उसने अपने मन में सोचा और उसने कहा कि मैं इस मैंगो को, येल्लो येल्लो जो मैंगो ये दिखाई दे रहा है, इसको मैं खाना चाहता हूँ। ही फ्लू डाउन टू द ट्री, इसलिए वो नीचे उतर आया, उड़ रहा था ना वो ऊपर आसमान में, तो उसकी नज़र मैंगो पे पड़ी और वो नीचे आ गया पेड़ के पास। कॉ कॉ, गो अवे, दिस इज़ माई ट्री, सेड अ वॉइस। देखिए अचानक जैसे ही मिट्ठू पेड़ के पास गया, उसे कॉ कॉ की आवाज़ आई। कॉ कॉ कौन करता है? यस, क्रो। क्रो ने क्या किया? कॉ कॉ, गो अवे, उसने कहा कॉ कॉ, यहाँ से चले जाओ। दिस इज़ माई ट्री, उसने क्या कहा, ये तो मेरा ट्री है। अरे इसे तो बड़ा घमंड है, कभी ट्री किसी का होता है? ये तो भगवान ने दिया है, इस पे तो कोई भी एनिमल रह सकता है। लेकिन क्रो को देखिए क्या हुआ, क्रो ने क्या कह दिया मिट्ठू को, दिस इज़ माई ट्री एंड गो अवे। तो देखते हैं अब पैरेट क्या करेगा, हमारा मिट्ठू क्या करेगा। दिस इज़ माई ट्री, ठीक है। मिट्ठू लुक्ड अप, मिट्ठू ने देखा, अरे किसकी आवाज़ आ रही है, तो उसे सामने ये क्रो दिखाई दिया। ही सॉ अ बिग ब्लैक क्रो, उसने क्या देखा, एक बड़ा सा काला कौवा था। कॉ कॉ, गो अवे, गो गो, द क्रो शाउटेड, जो क्रो है, जो कौवा है, वो बहुत ज़ोर के चिल्लाया, चले जाओ यहाँ से, ये तो मेरा ट्री है। ही सेड अ वेरी लाउड वॉइस, उसने बहुत ज़ोर से बोला, चले जाओ यहाँ से। कॉ कॉ, गो गो, ही हैड अ वेरी लाउड वॉइस। मिट्ठू वॉज अ फेयर्ड ऑफ द क्रो, ही फ्लू अवे। अब देखो मिट्ठू तो कितना प्यारा है और इसने इसको इतने गुस्से में बोला, इतनी ज़ोर से बोला, तो मिट्ठू जो है वो डर गया और वहाँ से चला गया। देखते हैं अब उसे उसका फेवरेट मैंगो मिलेगा या नहीं। देखिए मिट्ठू सा अ रेड बैलून, अचानक मिट्ठू की नज़र किस पे पड़ी, एक रेड बैलून पे पड़ी। इट वॉज अंडर अ ट्री, ये पेड़ के नीचे उसने क्या देखा, एक रेड कलर का बैलून देखा। ही हैड एन आइडिया, देखो मिट्ठू कितना चालाक है, उसे आइडिया भी आ गया। ही पिक्ड अप द रेड बैलून, उसने जो है अपनी चोंच से उठा लिया रेड बैलून को। ही वॉज केयरफुली नॉट टू डस्ट इट, उसने इतने ध्यान से उठाया ताकि वो फट ना जाए। ही फ्लू टू द मैंगो ट्री, वह मैंगो ट्री के पास गया। द क्रो वॉज सिटिंग ऑन द ट्री, मिट्ठू वेंट बिहाइंड द ट्री। देखो अब क्रो जो है, कौवा जो था, वो पेड़ पे बैठा था, तो इसने कितनी चालाकी दिखाई, वो आगे से नहीं गया, पीछे से गया, ठीक है, मिट्ठू जो है पीछे से गया। ही पैक्ड द बैलून विद हिज रेड बीक, उसने क्या किया, अपने बीक से, अपनी चोंच से उसे तोड़ने की कोशिश की। पॉप द बलून बर्स्ट, इट मेड अ लाउड नॉइस, उसने ज़ोर से फोड़ दिया उसको और बैलून ने क्या किया, बहुत ज़ोर से शोर किया। और अब देखते हैं क्या हुआ, देखो क्या हुआ था स्टोरी में, मिट्ठू को जो है मैंगो खाना था, लेकिन क्रो ने उसे गुस्सा करके भगा दिया वहाँ से। अब मिट्ठू जो है वो अपना ट्रिक यूज़ कर रहा है कि मैं कैसे उस मैंगो को खा सकता हूँ, और उसने बैलून फोड़ दिया वहाँ पे। कॉ सेड, सेड द क्रो, उसने अब क्रो ने क्या कहा, कॉ कॉ, एंड ही फेल ऑफ द ट्री, और वो डर गया और वहाँ से चला गया, नीचे गिर गया ट्री से, क्योंकि वो डर गया था ना, क्योंकि जो पैरेट है उसने बैलून फोड़ा था। कॉ कॉ, अ बिग गन इज आफ्टर मी, सेड द क्रो, कॉ कॉ को लगा, अरे ये किसने मेरे पीछे गन चला दी, ये किसने बंदूक चलाई है, उसे बड़ी ज़ोर की बम जैसी आवाज़ आई।
आप भी डर जाते हो ना जब आपके बैलून जो है आपके पास आके फट जाता है, फूट जाता है ना। तो ऐसे ही मिट्ठू ने चाल चली कि मैं देखता हूँ कि क्या होगा। ही फ्लू अवे, और वो भाग गया। ही नेवर कम बैक टू द ट्री। देखो कैसे इसने फोड़ा, कैसे देखो बैलून को फोड़ दिया, और कांका जो है क्रो डर कर भाग गया और कहा कि अब मैं वापस नहीं आऊँगा। मिट्ठू केम टू द ट्री, मिट्ठू वापस आया अपने ट्री के पास। ही एट द बिग येल्लो मैंगो, ये देखिए यमी यमी कैसा लगा मिट्ठू को मैंगो, इतना बड़ा मैंगो जिसका उसने ड्रीम देखा था कि मैं खाऊंगा, और उसे वो खाना मिल गया। कैसे? क्योंकि उसने अपना माइंड यूज़ किया, उसने चालाकी चली कि ऐसे थोड़ी ना होता है कि क्रो कह रहा है कि ये तो मेरा ही है, मेरा पेड़ ही मेरा है, ऐसा नहीं होता बच्चों का। बीवी जो पेड़ हैं वो भगवान ने बनाए हैं, और उस पर कोई भी एनिमल रह सकता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें आपस में प्यार से रहना चाहिए, कभी किसी को डराना धमकाना नहीं चाहिए। वट अ नाइस मैंगो ही सेड, उसने कहा अरे वाह कितना अच्छा मैंगो है। ही वॉज वेरी हैप्पी, क्लेवर मिट्ठू, देखा कितनी चालाकी से मिट्ठू ने क्या किया, अपने मैंगो को हासिल कर लिया। देखिए इसके न्यू वर्ड्स हैं, ब्लैक, ब्लैक मीन्स काला, क्रो मीन्स कौवा, मैंगो मीन्स आम, पैरट मीन्स तोता। तो आपने पैरट के स्पेलिंग लर्न कर लेने हैं। देखिए इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेते हैं। व्हाट डिड मिट्ठू सी ऑन द ट्री, मिट्ठू ने क्या देखा था एक दिन ट्री पे, अ बिग मैंगो है ना, बिग मैंगो देखा था ना, येलो कलर का मैंगो। व्हाट डिड द बिग ब्लैक क्रो से, क्या कहा था ब्लैक क्रो ने, कां गो अवे। व्हाट डिड मिट्ठू सी अंडर द ट्री, मिट्ठू ने क्या देखा पेड़ के नीचे, सोचो क्या देखा था पेड़ के नीचे, यस अ रेड बैलून। ठीक है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। आप इसे अपने फ्रेंड्स को, अपने मम्मी पापा को भी सुनाइएगा, ठीक है, कि कैसी स्टोरी आज आपको पढ़ाई गई है। ओके, थैंक यू, टेक केयर।